सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 15 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ नए और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पे हमें आज के दिन डिस्कशन करना है, जिनके कुछ प्रमुख आस्पेक्ट को समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन सभी आर्टिकल्स को समझना। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें आज के उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें आज कुछ ना कुछ सभी एस्पेक्ट को समझना है, इनमें सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है वो द कास्ट ऑफ पीस है, जिसमें अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो मीटिंग हो रही है इस पर डिस्कशन है। सेकंड में हम बात करेंगे मानसून सेशन में, जिसमें कुछ प्रमुख कंसर्न को दिखाया गया है और उनके बारे में विस्तृत एस्पेक्ट को दिया गया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है अर्बन एम्प्लॉयमेंट, और इसी पर हमारा बेस्ड है आज का द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन भी, उसको भी हम सभी देखेंगे। इसके बाद मेका धातु प्रोजेक्ट, इसके बाद कोंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो जस्टिस की मतलब की कंटेम्प्ट करने के कारण जो प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट का कोर्ट लगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत मुकदमा चल रहा था और उस पर मतलब कि उनको फाइन उन्होंने भरा हुआ है पिछले मंडे को, इस पर बेसिकली बात की गई है। उसके बाद 20th अमेंडमेंट जो कि श्रीलंका में अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है, इस पर भी हम सभी चर्चा करेंगे। फाइनली आज का जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन होगा इस न्यूज़पेपर से संबंधित, उसको आप सभी को प्रोवाइड करके इस सेशन को संपूर्ण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं उन सभी आर्टिकल्स को समझना। तो सबसे पहले हम बात करें आज के पहले आर्टिकल की, जिनमें लिखा हुआ है ऑन डे वन ऑफ मानसून सेशन 25th MP टेस्ट COVID-19 पॉजिटिव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को पहला मानसून सत्र था, मानसून सेशन था, उसके अंतर्गत पहली मीटिंग हुई जिसमें लगभग 25 MPs क्या हुए है टेस्ट में COVID-19 पॉजिटिव मिले। तो ये अपने आप में बेहतरीन चिंता का विषय है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी पेंडेमिक को देखते हुए ही जो अब की बार का जो क्वेश्चन आवर्स था, जो प्रश्न काल था अब की बार का जो क्वेश्चन आवर था, उसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया, जिसके कारण अनेक प्रकार की गवर्नमेंट को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन देखिए उसकी जल्द ही मतलब प्रभाव देखने को मिल जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे MPs, जबकि वहाँ पे हाई अलर्ट है, हाई सिक्योरिटी है, सारी व्यवस्थाएँ बहुत बेहतर हैं, फिर भी वहाँ पे COVID-19 की इतनी अधिक मात्रा में जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, तो कहीं कहीं बेहतरीन ये कंसर्न का विषय हुआ है। और इस पर बेसिकली कई सारे एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं। लिखा हुआ है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 25 लॉ मेकर्स आर रिपोर्टेड टू हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 इवन एज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एडमिटेड इन ए स्टेटमेंट इन लोकसभा दैट द बैटल अगेंस्ट COVID-19 इज स्टिल फार फ्रॉम ओवर। तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिड नॉट लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लिस्ट ऑफ दोज हू हैव टेस्ट पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव लोग हुए हैं उनकी अभी तक लिस्ट तो ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन फिर भी लगभग कहा जा रहा है कि इतने लोग पॉजिटिव हैं। तो इस पर बेसिकली अनेक प्रकार के कंसर्न को जैसे कि कहा जा रहा है, जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको एस्पेक्ट मिलेंगे कि जैसे ये कहा जा रहा है कि क्यों ना हम इसको जैसे क्वेश्चन आवर समाप्त किया गया, उसी तरह इसको भी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से किया जाए, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार की बातें की जा रही है। जैसे कि क्वेश्चन आवर्स को बेसिकली हटा दिया गया है, नो डाटा ऑन माइग्रेंट्स की द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव एनी डाटा टू रिगार्डिंग माइग्रेंट वर्कर हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन आवर्स पे बातें की जाए, तो क्वेश्चन आवर्स में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं क्वेश्चन भी देर आर दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं स्टार्ट और एक होते हैं अनस्टार्ट। तो स्टार्ट पे तुरंत खड़ा होकर जवाब देना पड़ता है और अनस्टार्ट में क्या होते हैं बेसिकली आपको लिखित रूप में इसका आंसर देना पड़ता है। तो ये भी बेसिकली अनेक प्रकार के मुद्दे थे जो कि पिछले दिनों आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस सेशन में पूरी तरह इनके सभी एस्पेक्ट को समझाने का प्रयास किया जा चुका है। तो आप उसको देख के सभी डाटाज को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेसिकली एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है कि द कास्ट ऑफ पीस, यानी शांति का जो मूल्य है वो देखने को मिला। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग जानते होंगे अफगानिस्तान सरकार और तालिबान जो वहाँ का संगठन है उसके बीच बहुत ही पहली बार एक मेज पे दोनों लोग मीटिंग करने वाले हैं, बातें होने वाली हैं। तो पिछले दिनों भी इस पे आर्टिकल्स आ चुके हैं और डिस्कशन भी पिछले दिनों की बात करें तो हो चुका है, और इसके कारण जितने भी एस्पेक्ट हैं लगभग आप सभी के सामने प्रोवाइड किया जा चुके हैं। आज भी उन्हीं संबंधित आर्टिकल्स आए हैं। तो ये रिपीटेड आर्टिकल हैं। ये क्या है, रिपीटेड आर्टिकल है। इसमें लिखा है अफगानिस्तान शुड नॉट लूज द डेमोक्रेटिक गेंस मेड इन पोस्ट तालिबान एरा। तो जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसको शुड नॉट लूज, उसको खोना नहीं चाहिए द डेमोक्रेटिक गेंस, जो उसको डेमोक्रेटिक गेंस मिला हुआ है उसको खोना नहीं चाहिए इन द पोस्ट तालिबान एरा, जिस जो कि पोस्ट तालिबान एरा, यानी इसके पहले जो तालिबान एरा, एरा मतलब होता है युग,
तो जो इसके पहले तालिबान जो युग था उससे जो उसको छुट्टी मिली थी या उससे जो उसको मुक्ति मिली थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तालिबान का सफाया करने के लिए अमेरिका ने अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए थे, वहाँ पर ख़त्म किया था। उसके बाद वहाँ पर शांति बहाल हुई थी, वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम बना था, तो उस सिस्टम को लूज नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट को। तो बेसिकली ये पहले स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है। सिक्स मंथ आफ्टर दे वेयर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड इन इंट्रा अफगान ट्रैक ब्रिंगिंग द तालिबान फेस टू फेस विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगान अशरफ घनी गवर्नमेंट एंड अफगान सिविल सोसाइटी फाइंडिंग गॉट अंडर वे इन दर दोहा इन सैटरडे। तो सैटरडे को बेसिकली ये बेसिकली देखिए जो भी बातें की जा रही है ये लगभग छः महीने बाद हो रही है, जो मीटिंग होने वाली है ये छः महीने सिक्स मंथ आफ्टर दे वेयर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड, लगभग ये छः महीने बाद मतलब मिलने वाले थे, लेकिन जल्दी ही इसकी मुलाकात हो रही है। और इसमें अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें और जो तालिबान संगठन है उसके बीच प्रमुख बातें होने वाली है, शांति बहाल दोनों क्षेत्रों में एक प्रकार से हो सकती है। और ये जो वार्ता है वो कैसी वार्ता है, इंट्रा अफगान टॉक यानी कि अफगानिस्तान की आंतरिक वार्ता है एक तरफ से। और पीछे से लोग बात करते तो इस पर भी आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो इस पर सारे एस्पेक्ट को डिस्कस कर दिया जा चुका है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज द फोकल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे कहीं कहीं अपने आप में एक मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। और इस पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है उसको फोकल पॉइंट हो, उसको फोकल पॉइंट होना चाहिए। जैसे जानते हैं हम सभी कि भारत युवा प्रधान देश है अपने आप में, तो युवा प्रधान देश होने के कारण इसमें जो जब COVID-19 पेंडेमिक आया तो कहीं कहीं उसमें सबसे अधिक जो बेरोजगार युवा भी जाहिर सी बातें होंगी। और इसके बाद जो उनकी एम्प्लॉयमेंट जो उनका रोज़गार है छीनने के बाद अपने आप में देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है और जो उस युवा की कंडीशन है उन दोनों को एक साथ देखना चाहिए और कहीं कहीं उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमिक में इकोनॉमी रेस्ट कंसर्न ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एज अ श्रिंकिंग सेक्टर आर दोज दैट क्रिएट द मैक्सिमम न्यू जॉब्स। तो कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन पेंडेमिक के बाद जो हुई है कहीं ना कहीं हर सेक्टर में कहीं कहीं श्रिंकिंग हो रही है, गिरावट हो रही है, और जो भी मतलब कि जो भी क्षेत्र अधिक से अधिक जॉब क्रिएट करते थे उसमें भी कहीं कहीं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें कि जो भी मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम अनेक प्रकार की थी उस पर बेसिकली थोड़ी मोड़ी बातें हो रही, लेकिन कहने का मतलब उस पर कोई बहुत बड़ा लाभ मतलब कि जितने मतलब बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी विकराल समस्या है उससे थोड़ी मोड़ी अगर रिलीफ देते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए उस पर बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट है अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर बेसिकली फोकस करना चाहिए, और ख़ास करके जितने भी युवा वर्ग हैं उन सभी के रोज़गार पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ प्रमुख डाटा दिया हुआ है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। रिसेंट डाटा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी रेज्ड कंसर्न ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की जो स्थिति है इंडिया में उसका जल्द ही अभी हाल ही में डाटा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि द श्रिंकिंग सेक्टर दैट हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट कंस्ट्रक्शन, जो जिन क्षेत्रों में श्रिंकिंग अधिक से अधिक मात्रा में हुई है वे कुछ क्षेत्र इस प्रकार से हैं। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगभग 50% श्रिंकिंग हुई है। होटल एंड अदर सर्विसेज में लगभग 47% की, मैन्युफैक्चरिंग में 39%, माइनिंग में आपका 23%, और जो और भी बहुत सारे जो हैं इनमें अनेक प्रकार की मैक्सिमम न्यू जॉब्स इन इकोनॉमी जो अनेक प्रकार के जो इकोनॉमी के जॉब्स हैं इनमें कहीं ना कहीं कमी हुई है, और इन सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं कंडीशन गड़बड़ हुई है। तो बेसिकली इस पर फोकस करना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रमुख एस्पेक्ट इस पूरे आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा है वो आपको तैयार रखना होगा और ख़ास करके उसको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कर्नाटका टू सिख नोड फॉर मेकादातु प्रोजेक्ट। तो जो कर्नाटका है वो चाहता है कि मेकादातु प्रोजेक्ट जो है जल्द ही स्टार्ट हो जाए। जो मेकादातु प्रोजेक्ट के बारे में आपको दो तीन बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए, यही आपका मेकादातु प्रोजेक्ट इसमें याद होना चाहिए कि परिपत्व इसकी सिचुएशन जो है कहाँ है। तो द कर्नाटका गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेक डेलीगेशन हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा टू ब्रिंग प्रेशर टू सेंटर अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेकादातु बैलेंसिंग रिजर्वर दैट हैज़ बीन प्रपोज द स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज।
तो ये कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक का गवर्नमेंट है वो क्या नाम है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बी.एस. येदियुरप्पा, उन्होंने कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रेशर बनाया हुआ है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो ये मेकादातु जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से जो वाटर की जो सप्लाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज़ से ही उसकी सप्लाई के लिए वो रिक्वायरमेंट कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2017 में क्या किया गया था, पास किया गया था। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था 2017 में। हैज़ रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, इसको जो है अप्रूवल मिल गया है यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री द्वारा। और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एंड इट्स अवेटिंग, और इसका भी अप्रूवल के लिए वेटिंग कर रहा है किसको, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MoEF, इवन एज तमिलनाडु हैज अप्रोचेज द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। तो इसको बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री इसको द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन जो अप्रूवल की जो इसको वेटिंग है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और एंड फॉरेस्ट के द्वारा इसको मिलना बाकी है। और साथ ही साथ तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने इसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इसको ना दिया जाए, क्योंकि वो ये कहता है कि यदि इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कहीं कहीं वहाँ की जो वाटर सप्लाई जो तमिलनाडु की जो वाटर रिसोर्स हैं उसमें कहीं कहीं कमी आएगी। लेकिन कर्नाटका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो इस वाटर को ओनली इरिगेशन के लिए नहीं, सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि ओनली और ओनली ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको लेना चाहता है। इस पर बेसिकली दोनों पक्षों में बातें हो रही हैं और चर्चाएं होती रहती हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना कि मेकादातु प्रोजेक्ट कहाँ है, कर्नाटका में है, और ये किस सन में इसको पास किया गया था, तो ये सब बेसिकली बातें आपको याद होनी चाहिए। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा है कंसर्न एज वाटर लीक्स फ्रॉम कोंडा पोचम्मा रिजर्वर, ऑफिशियल से नथिंग टू वरी इट इज़ नॉर्मल फेनोमेना। तो जो कोंडा पोचम्मा जो रिजर्वर है इस सिस्टम से वाटर जो है लीक हो रहा है, तो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कंसर्न का विषय इस पर बात की जा रही है। तो आपको कोंडा पोचम्मा जो ये रिजर्वर जो ये बेसिकली जो सिस्टम है आपको ये याद होना चाहिए कहाँ है, तो ये हैज़ बीन लीकिंग फ्रॉम द कोंडा पोचम्मा सागर रिजर्वर लोकेटेड इन द मारलुक मंडल हेडक्वार्टर इन तेलंगाना। कहाँ पर बेसिकली है, तेलंगाना में। और इसमें जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो इट इज़ द पार्ट आप कालेश्वरम लिफ्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द गजवेल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली रिप्रेजेंटेड बाई तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तो ये बेसिकली तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में वो भी किस पार्ट है, ये है पार्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट इसकी इस केस के बारे में आप सभी लोग बेसिक सभी एस्पेक्ट को पिछले दिनों डिस्कस कर दिया जा चुका है, इसको आप सभी जानते भी होंगे। भूषण पेस फाइन, भूषण ने पिछले सोमवार को यानी कि सोमवार को उन्होंने अपनी जो फाइन लगी थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत 1 रुपये की, उसको पेड किया है। और पेड करने के साथ साथ उन्होंने इस पर रिव्यू फाइल भी दायर की हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लिखा है कि एडवोकेट प्रशांत भूषण फाइल रिव्यू पटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे अगेंस्ट द डिसीजन फाइंडिंग हिम गिल्टी इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट विथ हिज ट्वीट्स। तो जो उन्होंने दो ट्वीट किए थे इसके बाद कोर्ट ने उनको दोषी ठहराते हुए उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चलाया था इसके अंतर्गत उनको 1 रुपये की फाइन भरने के लिए कहा गया था। और साथ ही साथ मिस्टर भूषण वाज पनिश्ड विद 1 रुपीज फाइन ही पेड इट बाय ड्राफ्ट ऑन मंडे, यानी मंडे को ड्राफ्ट के द्वारा उन्होंने 1 रुपया उस फाइन को क्या कर दिया, भर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, स्पीकिंग टू द मीडिया आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स मिस्टर भूषण सेड द पेमेंट ऑफ द फाइन डिड नॉट मीन ही हैड एक्सेप्टेड द जजमेंट फाइंडिंग हिम गिल्टी। तो पेड करने के साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में ये कहा कि उन्होंने पेड करने दिया इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि ही हैड एक्सेप्टेड द जजमेंट फाइंडिंग हिम गिल्टी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो जजमेंट मिला है कि उनको भी गिल्टी है, वे अपराधी हैं, इस बात को वे स्वीकारते नहीं, भले उन्होंने पेड कर दिया। तो इसलिए उन्होंने एक फाइल मतलब की रिव्यू के लिए उसमें डाली हुई है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल से संबंधित प्रमुख आस्पेक्ट थे। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा है कि योशी हाइडे सुगा सेड द बिकॉम जापान पीएम। तो ये आपको याद रखना होगा कि जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, योशी हाइडे सुगा। ये आपको याद रखना, योशी हाइडे सुगा इनका नाम है, योशी हाइडे सुगा ये जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, इनको आपको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है कि श्रीलंका रिविजिटिंग ड्राफ्ट 20th अमेंडमेंट। तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनका जो ड्राफ्ट था 20th अमेंडमेंट वाला 20वां संविधान संशोधन में, उसको रिविजिट करने के लिए मतलब कि सिस्टम बनाया गया, क्योंकि जो 2015 में 19th अमेंडमेंट किया गया था
उस समय वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ऐसे राष्ट्रपति की शक्तियों को संकुचित मतलब कि संकुचित कर दिया गया था, यानी कम कर दिया, और पार्लियामेंट की जो शक्ति थी उसको इम्प्रूव कर दिया गया था। और इसके बाद जब महिंद्रा राजपक्ष की गवर्नमेंट वर्तमान समय में आई और गोटबाया राजपक्ष की, तो उन्होंने क्या किया उसमें 20th amendment लाकर राष्ट्रपति की शक्तियों को फिर से विस्तार और पार्लियामेंट की शक्तियों को पुनः संकुचित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें बेसिकली बहुत सारी उस वहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और इस पर कंसर्न की बातें भी हो रही हैं। तो इस पूरे आर्टिकल को अपडेट कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल इश्यू हैं उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो 20th amendment क्या है इस पर बेसिकली फुल डिस्कशन पिछले के सेशन के अंतर्गत आप सभी के सामने कर दिया गया है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को, तो बात करते हैं आज के, देखते हैं द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो यदि बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से है, दैट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्बन एम्प्लॉयमेंट। इस पर आप सभी लोग 100 words में लिखने का प्रयास करेंगे कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट्स क्या है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ सकते हैं और सामान्य जीवन पे भी इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे आप सभी लिखने का प्रयास करेंगे और अपने मत को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।